दोस्तों, भारत में आम जनता के बीच इतना आतंकवाद फैल चुका है कि हर समय देश में विस्फोट, फायरिंग या अन्य प्रकार की आतंकवाद गतिविधियां होने का अंदेशा लगाया जा सकता है। इसी के गहरे अंदेशे के चलते कुछ समय पहले यानी 17 जून को हैदराबाद स्थित दरभंगा जंक्शन पर दो आतंकियों के द्वारा दोपहर के समय ब्लास्ट करने का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस ने इन यूपी के दो सगे भाई इमरान मलिक व मोहम्मद नासिर मलिक को हैदराबाद से विस्फोटक आतंकी हमला करवाने की साजिश के तहत गिरफ्तार किया था। जब इस मामले में दोनों आतंकियों से पूछताछ की गई तो इससे केमिकल बम धमाके में एक बड़ा खुलासा सामने आया कि दोनों आतंकी रात्रि में चलती ट्रेन में विस्फोट करने की फिराक में थे, जिससे अधिक से अधिक जनमाल की हानि हो सके और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन वो अपनी इस साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। गौरतलब है कि यह केमिकल बम धमाका 17 जून को दोपहर में दरभंगा जंक्शन पर किया गया था, लेकिन अगर चलती ट्रेन में विस्फोट कराने की आतंकियों की यह साजिश सफल हो जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। आतंकियों का साजिश बम को चलती ट्रेन में 15-16 जून की मध्य रात्रि को विस्फोट करवाना था। जानकारी के मुताबिक 15 जून की रात 10 बजे के आसपास सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस सिकंदराबाद से रवाना हुई थी। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज काजीपेट जंक्शन था। यहां तक पहुंचने में इस ट्रेन को लगभग 54 मिनट का समय लगता है। आतंकियों की साजिश ट्रेन के काजीपेट से खुलने के बाद विस्फोट करने की थी, लेकिन ऐसा हो ना पाया। धमाका तब हुआ जब पार्सल को दरभंगा जंक्शन पर उतारा जा चुका था। जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन की पार्सल वैन में रखे केमिकल विस्फोटकों को सिकंदराबाद स्टेशन से 132 किलोमीटर दूर काजीपेट जंक्शन पर ब्लास्ट कराने की साजिश थी।